माइनस वाई बराबर है 2x के। ठीक है, अगला सवाल क्या है, माइनस वाई बराबर है 2x के। ये माइनस आप वहाँ भी लगा सकते हैं, इसका मतलब है आप x की वैल्यू अगर 1 रखेंगे इसका डबल आ जाएगा y की वैल्यू। इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू जो रखेंगे y की वैल्यू उसका डबल होगी। ये x है, ये y, अगर आप x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस टू। x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस फोर। समझ में आ रही है, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0। x की वैल्यू माइनस वन रखेंगे, माइनस माइनस प्लस का 2। x की वैल्यू माइनस टू रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 4। समझ में आ रही बात आपको, ये वैल्यू मैंने रखी है x की जगह पे और इसको मल्टीप्लाई किया तो y, x की वैल्यू 2 रखी तो 2 टू दा माइनस का 4। x की वैल्यू 0 रखी तो 0 टू दा 0। x की वैल्यू माइनस वन रखी, अब इसको प्लॉट कर लीजिए। इसको प्लॉट कैसे कर सकते हैं, एक और माइनस दो, ये एक है और ये माइनस दो है, पहली पॉइंट आ गया। फिर दो और माइनस चार, ये दो है और ये माइनस का चार। उसके बाद जीरो कामा जीरो, जीरो कामा जीरो। उसके बाद माइनस वन और टू, माइनस वन और टू। उसके बाद माइनस टू और फोर। तो ये तीन सारे एक ही लाइन में आ रहे हैं, ये प्लॉट हो गया। उतार लीजिए, ठीक है भाई। ये चौथा सवाल है, इसमें आपको इक्वेशन ये दी गई है और यहाँ पर बताया वाई अगर जीरो होगा तो बताओ एक्स क्या है, एक्स अगर चार होगा तो बताओ वाई क्या है। तो अगर मैं यहाँ वाई की जगह क्या रखूँ, जीरो, वन अपॉन टू एक्स, दो इधर जाके मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, एक्स से कम एक्स, दो जीरो जीरो, एक्स कम, इसका मतलब एक्स भी क्या निकलेगा, जीरो। ये समझ में आ गई बात। अच्छा, और अगर इसको आगे बढ़ाएं, वाई इज इक्वल टू, इसके लिए काम करें, वन अपॉन टू एक्स, इसमें एक्स किसके बराबर दिया गया है, फोर के। एक्स की जगह फोर लिखें, ये कट गया टू टू दा फोर, तो वाई की वैल्यू क्या आ गई, टू। तो यहाँ पर वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, टू। समझ में आ गई बात आपको, ठीक है। दूसरा सवाल, ये आपको इक्वेशन दी गई है और कह रहे हैं कि अगर x 1 हो तो बताओ y क्या है। तो आप x की जगह 1 रख दें और इसको हल कर लें, इधर आगे यहाँ जाके पलट जाएगा, थ्री अपान टू इंटू वन, y इज इक्वल टू थ्री अपान टू। तो अगर x 1 होता है तो y क्या होता है, थ्री अपान टू होता है। अच्छा, अब y क्या है, थ्री अपान टू है, तो इस फार्मूले में टू अपान थ्री ऐसे लिखा, इसकी जगह y की जगह क्या लिख दीजिए, थ्री अपान टू। तो ये थ्री से थ्री गया, टू से टू गया, x की वैल्यू क्या आ गई, वन। तो x की वैल्यू क्या होगी, वन। बल्कि यहाँ खुद ही लिखा हुआ, अगर थ्री अपान टू है और ये वन है और वो भी थ्री अपान टू होगा तो वन होगा। तो ज़ीरो और वन अपान फोर वैल्यू दी गई है। अगर x ज़ीरो रखें तो y क्या आएगा, यहाँ रखते हैं x ज़ीरो, प्लस फोर वाई इज इक्वल टू एट, ये तो ज़ीरो हो गया, फोर वाई इज इक्वल टू एट, और y इज इक्वल टू, ये जाके डिवाइड करेगा, टू जवाब आ जाएगा। तो अगर x ज़ीरो हो तो y क्या निकलता है, टू। अब क्या काम करना है, y किसके बराबर है, इस वाली इक्वेशन में y बराबर रखना है आपको, y किसके बराबर रखना है, वन अपान फोर के, इज इक्वल टू एट इज इक्वल टू टू एक्स, फोर से फोर गया, यहाँ से बचा टू एक्स प्लस वन,
बराबर है किसके, 8 के। प्लस का 1 को वहाँ ले जाइए, वहाँ जाके माइनस का क्या बन जाएगा, माइनस हो जाएगा 7। दो इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाके डिवाइड करेगा, x इज इक्वल टू 7/2। इसका मतलब है यहाँ पे x की जगह क्या आएगा, 7/2। उतारिए, ठीक है। ये है आपके पास पांचवा सवाल, द वेट y इन kg, यानी जो एक आदमी है उसका वेट y से ज़ाहिर किया गया है और वो किलोग्राम में है, और उसकी एज जो है वो x से ज़ाहिर की गई है और वो एयर में है। यानी अगर वो 3 साल का है, एयर 3 साल है, तो वेट कितना बनेगा, उसके एयर का डबल होता है, तो वेट 6 किलो का बन गया। अगर वो 4 साल का है तो उसका वेट कितना होगा, 8 किलो। अगर वो 5 साल का है, सही है। तो अब आपके पास एक ग्राफ के लिए आप एक डेटा खुद प्रोवाइड कर लें, ये एक्स है और ये वाई है, जबकि इक्वेशन क्या चल रही है, वाई इज इक्वल टू 2x। अगर वाई एक होगा तो एक्स कितना होगा, सॉरी एक्स अगर एक होगा तो वाई कितना होगा, 2 होगा, 4 3 होगा, 6 4 होगा, 8 5 होगा, 10। अब आप इसको ड्रा कर लें, इसमें माइनस तो हो ही नहीं सकता ना, माइनस वैल्यू नहीं आ रही, लिहाजा ना मैं वाई में माइनस बना रहा, ना मैं एक्स में माइनस बना रहा। तो ये 0 0 है, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर हमने क्या ले लिया, एज, और यहाँ पर क्या ले लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, ये 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो। आप यूँ भी कर सकते थे कि यहाँ से यहाँ तक 2 किलो मानते, क्या मानते, 2 kg। यहाँ से यहाँ तक कितना होता, 4, यहाँ से यहाँ तक 6, यहाँ से यहाँ तक 8, यहाँ से यहाँ तक 2 2 का गैप, 2 2 4 2 6, ऐसे चलें। तो एक में कितना था, 2, 2 में कितना था, 4, 3 में कितना था, 6, 4 में कितना था, 8, 5 में कितना था, 10। तो ये आपके पास क्या बन गई, लाइन बन गई, ये ग्राफ हो गया। इसमें ये किसको शो कर रहा है, एज को, और ये किसको शो कर रहा है, वेट को। उतार लीजिए, ठीक है भाई। छठा सवाल, पेज नंबर 149 पे, आयशा कैन ड्राइव अ 2-व्हीलर कंटिन्यूसली। आयशा जो है 2-व्हीलर चला रही है, बाइक है, और कंटिन्यूसली चला रही है, एट द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। उसकी स्पीड कितनी है, 20 किलोमीटर पर आवर। पर आवर का मतलब एक घंटे में वो 20 किलोमीटर चलाती है, फासला तय करती है। कंस्ट्रक्ट अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब ये कह रहे हैं डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ बनाइए, यानी टाइम एक घंटा है तो उसने कितना फासला तय किया, 2 घंटे हो गए तो कितना फासला तय किया, 3 घंटे हो गए तो कितना फासला तय किया। तो हम सबसे पहले टाइम और डिस्टेंस का ग्राफ बनाते हैं। एक्स एक्सिस पे लेते हैं टाइम और वाई एक्सिस पे लेते हैं डिस्टेंस। ये हो गया आपका डिस्टेंस जिसको एस से ज़ाहिर कर रहे हैं, और ये हो गया आपका टाइम जिसको टी से ज़ाहिर कर रहे हैं। मैंने ये क्यों नहीं बनाया, टाइम माइनस में नहीं होता और डिस्टेंस भी माइनस में नहीं होता, ठीक है। तो ये 0 0 है, ये एक घंटा हो गया, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 5 6 7 घंटे, 1 2 3 4 5 6 7, और टाइम है किस में, आवर में, और स्पीड किस में है, किलोमीटर में, ठीक है। तो 20 किलोमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक हम क्या मान रहे हैं, 20 किलोमीटर, फिर इतना ही, ठीक है। तो इतने ही फासले पर हमने ये 40 किलोमीटर हो गया यहाँ तक, 60 किलोमीटर यहाँ तक, 80 किलोमीटर और यहाँ तक 100 किलोमीटर।
जब एक घंटा गुजरता है तो कितना फासला तय करता है? 20 किलोमीटर। जब दो घंटे गुजरते हैं तो कितना फासला तय करेगा? 40। जब तीन घंटे गुजरते हैं तो कितना फासला तय होगा? 60। जब चार घंटे गुजरते हैं तो कितना फासला तय होगा? 8। और जब पाँच घंटे गुजरते हैं तो कितना फासला तय होगा? 10। 80 और 100। तो ये एक लाइन आ गई, ठीक है। अब नीचे सवाल दिया गया, ये तो प्लाट हो गया। पहला सवाल, द टाइम टेकन बाय आयशा टू राइड 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर कितने टाइम में उसने तय किया है? साफ नजर आ रहा है ये 100 किलोमीटर है और उसने कितने टाइम में तय किया है? 5। तो पहले का जवाब क्या होगा? 5 आवर्स। ये समझ में आ गई। इसी का दूसरा पार्ट, द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय आयशा इन 3 आवर्स, 3 घंटों में कितना फासला तय हुआ है? 3 घंटों में हमें नजर आ रहा है 60 तय हुआ है। तो इसका जवाब क्या होगा? 60 किलोमीटर, ठीक है। चलें इसको उतार लें, खत्म एक्सरसाइज।